नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आड़ेल पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत भांबू नगर वासियों की ढाणी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में कृष्णाराम चौधरी नायब तहसीलदार, गंगा विष्णु विष्णोई सहायक विकास अधिकारी निर्मला देवी, धतरवाल सरपंच अनसी देवी, सरपंच नगाराम बेनीवाल, प्रधान प्रतिनिधि मोहनलाल विष्णोई, ग्राम विकास अधिकारी खिराजमल विष्णोई, प्रधानाचार्य मोहनलाल बजाड, वीडियो अमनुराम विष्णोई, पूर्व सरपंच बस्तीराम धतरवाल, समाज सेवी पीराराम गोदारा, राजकुमार मीना लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाड़मेर रोशन मीना, PEO राय मलराम बटेसर की मौजूदगी में आयोजित हुआ। शिविर में नायब तहसीलदार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 17 गारंटी योजना से सभी लाभान्वित हो। गंगा विष्णु विष्णोई ने कहा कि आप सभी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें अपना आवेदन करें ताकि किसी भी योजना से वंचित नहीं रहें। पूर्व सरपंच अमनुराम विष्णोई ने सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना करने वाले सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई। जगराम नेहरा RP ने शिक्षा संबंधी जानकारी दी। इस दौरान शेराराम पुनिया, नारनाराम धतरवाल, गुमनाराम भांबू केशर पुनिया, वनाराम भांबू गंगाराम सारण, थानाराम सैन उदाराम कलबी बाबूलाल धतरवाल, सवाईराम माजरा सहित कई जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्राम पंचायत आश्रम ढाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज गांव के सारे ही लोग आए और मोदी जी की 17 योजनाएं सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सारे भी राज्य के कर्मचारी आए और सबने अपने अपनी योजनाएं बताई और योजना का लाभ दिया। और आज का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत आज ग्राम पंचायत भांबू नगर मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 17 विभागों के केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया गया। बहुत अच्छा काम हुआ। धन्यवाद।